ऐतिहासिक दिन है पूरे भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए करीब करीब, क्योंकि बरसों पुरानी जो विवाद चली आ रही थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने निर्णय में निर्णय किया है और इस निर्णय को हमें सबको मानना चाहिए, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी अदालत है, इसलिए उसका निर्णय सर्वमान्य है और हम उसको तस्लीम करते हैं और जो भी उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं वो भी हमारे लिए मान्य हैं और इससे ना तो किसी पक्ष की जीत हुई है ना किसी पक्ष की हार है, ये न्यायपालिका की जीत है। क्योंकि न्यायपालिका ने जो भी वर्डिक्ट दिया है तो वो न्याय को हित में रख कर के हर पक्ष के संबंध में उसको करते हुए दिया है। अतः हमें इसको मानते हुए, मैं चूंकि आज विश्व प्रसिद्ध दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह है, ये विश्व के इसलिए प्रसिद्ध है कि आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका बर्थडे है, जिनका भी मनाया जाएगा, उनकी औलाद से हैं, उनका रियल ब्लड है और मैं उनका रियल ब्लड हूँ, तो मैं इसीलिए मोहब्बत व आपसी भाईचारे का पैगाम देता हूँ। चूँकि हमारे प्रॉफेट मोहम्मद जो दुनिया में तशरीफ़ लाए वो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही तशरीफ़ नहीं लाए थे बल्कि पूरी कायनात के लिए तशरीफ़ लाए थे, इसीलिए उनको रहमतुल आलमीन कहा जाता है कि वो पूरे आलम के लिए रहमत हैं और उनको आलम के लिए रहमत बना करके भेजा गया था। उन्होंने किस तरह से सब्र व तहमुल से हमें काम लेना है वो सिखाया, किस तरह से हमें अमन व आश्ती से रहना है वो सिखाया, किस तरह से हमें भाईचारे से आपस में एक दूसरे के साथ रहना है वो सिखाया। ठीक उसी प्रकार उसी दिशा निर्देश को अपनाते हुए गरीब नवाज रहमतुल्लाह ने अजमेर में आकर के यही पैगाम दुनिया इंसानियत को दिया और आज भी ये पैगाम हर खानकाहों से जितनी खानकाहें हैं वहाँ से दिया जा रहा है। मैंने हिंदुस्तान की जितनी बड़ी बड़ी दरगाहें हैं वहाँ पर ये दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि आप अपनी अपनी खानकाहों से एक मैसेज पब्लिक के लिए जारी करें कि जो फैसला आया है इसको तस्लीम करें और इसको तस्लीम करते हुए आपस में भाईचारे का माहौल बना कर रखें और देश में कोई इस किस्म की स्थिति पैदा ना होने दें अपनी तरफ से, या इस किस्म का कोई काम ऐसा ना करें जिससे दूसरे मजहब के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचे और माहौल बिगड़े। इसलिए मैं दोबारा फिर अपील करना चाहूँगा पूरे देशवासियों से और देशवासियों के साथ साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितनी यहाँ पर धर्म विराजमान है हिंदुस्तान के अंदर, उन सब से ये करना चाहूँगा कि आप आपस में इस फैसले को तस्लीम करते हुए भाईचारे का माहौल बनाए रखें, अमन व आश्ती की फिजा कायम रखें और एक ऐसी मिसाल विश्व के सामने ये रखें कि हम भारतवासी अमन पसंद हैं, हमें अमन से रहना आता है, हमें किसी के वो नहीं है। प्लस जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो दुश्मनान हिंदुस्तान हैं उनके मुँह पर एक ऐसा तमाचा मारें कि वो कितनी ही कोशिश कर लें इस अमन आस्ती की फिजा को ख़राब करने के अंदर, उनको हम सफल नहीं होने देंगे, सफल नहीं होने देंगे, सफल नहीं होने देंगे। ये और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो इसके अंदर आई है कि मैं उन मुस्लिम एडवोकेट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने अपने हिसाब से जितनी मेहनत इस केस को लड़ने में की है और जो दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए हैं उसके अंदर जो उनका रोल रहा है उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं।